नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दिनांक 12 सितंबर 2019 का दिन उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही दिनांक 12 सितंबर 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में कट ऑफ मुद्दा और बीएड मुद्दा फिर से सुना जाना है। दोस्तों, पिछली तारीख दिनांक 5 सितंबर 2019 पर जब माननीय एजी साहब उपस्थित नहीं थे कोर्ट में, तो माननीय कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा था कि अगर अगली सुनवाई जो कि 12 सितंबर को होनी है उस पर माननीय एजी साहब अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर इस केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा। दोस्तों, आज दिनांक 11 सितंबर 2019 को लखनऊ SCERT पर भारी संख्या में कैंडिडेट्स उपस्थित थे सरकार से सिर्फ ये मांग करने के लिए कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कल दिनांक 12 सितंबर 2019 को माननीय एजी साहब माननीय कोर्ट में उपस्थित हों। दोस्तों, ये बहुत ही विडंबना है कि इतनी भारी संख्या में कैंडिडेट्स को इस बात के लिए धरना देना पड़ता है कि माननीय कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए एजी साहब उपस्थित हों। दोस्तों, ये कैंडिडेट किसी भर्ती के लिए मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट में एजी साहब कम से कम सरकार का पक्ष रखने के लिए उपस्थित तो हों। दोस्तों, अब कल दिनांक 12 सितंबर 2019 को माननीय कोर्ट में शासन की तरफ से यह आश्वासन फिर से दिया गया है बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा कि कल कोर्ट में एजी साहब उपस्थित होंगे। दोस्तों, अब इन सब कैंडिडेट्स की नज़र कल दिनांक 12 सितंबर 2019 को माननीय कोर्ट पर टिक गई हैं कि माननीय कोर्ट में एजी साहब कल उपस्थित होते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, निश्चित तौर पर अगर एजी साहब के द्वारा शासन की तरफ से कोई भी बात नहीं रखी जाती है तो इससे उन कैंडिडेट्स का पक्ष बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा जो कि 60 और 65 का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर चयनित होने वाले भविष्य के भावी शिक्षकों के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।